इलेक्शन आएगा तो देखना अभी वैकेंसी शुरू हो जाएगी। इलेक्शन नहीं होगा तब वैकेंसी बिल्कुल आती ही नहीं, और वैकेंसी आएगी तो उसमें भी पहले जो रिश्वत देते हैं उन लोगों को ही लेंगे, मिडिल क्लास लोगों का और गरीब लोगों को लेंगे ही नहीं। पढ़ कर भी जॉब्स मिलती है नहीं, दर दर भटकना पड़ता है जॉब्स के लिए। ये सब कुछ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि नौकरी ढूंढने में बहुत मुश्किल हो गई। मैंने एक सुपर स्पेशलाइज कोर्स किया है जॉब के लिए, अगर वो कोर्स करने के बाद भी मुझे जॉब नहीं मिल रही है तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। उसके लिए मैंने बीए चालू किया है, अभी बीए के बाद मैं एलएलबी करने का सोच रहा हूँ, जिसके लिए मेरे जॉब के चांसेस बढ़ जाए। मुझे लगता है इतना पढ़ाई करने के बाद भी अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, और मुझे लगता नहीं है कि जॉब मिलेगा इतना पढ़ने के बाद और इतना खर्चा करने के बाद भी। मैं घर से निकलता हूँ, निकल के फिर घूमता हूँ जॉब के लिए, काफ़ी जगह अप्लाई किया हुआ है लेकिन जॉब मिल नहीं पाती। खाने बैठते मम्मी पापा और सब लोग ऐसे निवाला लेके मुंह तक ले जाता हूँ, बस एक ही सवाल आता है क्या हुआ जॉब का, वो निवाला नीचे रख देना पड़ता है, हलक के नीचे नहीं जाता है ना खाना, कैसे जाएगा, जॉब ही नहीं मिलती है। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद जॉब ना मिले तो पढ़ाई कुछ काम की नहीं है। नौकरी है ही नहीं, मिल ही नहीं रही अब तो, और जो गवर्नमेंट जॉब है वो तो सिर्फ जो बड़े लोग हैं वो पैसे भर भर के वो अपने बच्चों को लगा दे रहे हैं।